मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई को मुकदमा दर्ज करने की इजाजत मिल गई है। गृह मंत्रालय से सीबीआई को केस दर्ज करने की मंजूरी मिल गई है। एफबीयू मामले में सीबीआई को मुकदमा दर्ज करने की इजाजत मिल गई है। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आम आदमी पार्टी सरकार पर फीडबैक यूनिट की आड़ में राजनीतिक जासूसी करने के आरोप लगे थे और इसी के तहत सीबीआई को केस दर्ज करने की अनुमति मिल चुकी है। गृह मंत्रालय से सीबीआई को केस दर्ज करने की मंजूरी मिली है। जितेंद्र भाटी और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, बड़ा मामला है ये, फीडबैक यूनिट के नाम पर जासूसी की गई, बड़े आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पर और मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज होगा। बिल्कुल, देखिए अब साफ हो गया है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई केस दर्ज कर सकती है। इस बाबत अगर आपको बताएं कि 2015 में जब आम आदमी पार्टी की सत्ता जो है दिल्ली में थी, सितंबर के महीने में कैबिनेट के अप्रूवल से फीडबैक यूनिट बनाई गई थी। हालांकि पीछे इसकी मंशा बताई गई थी कि तमाम विभागों पे भ्रष्टाचारों पर नजर रखने के लिए है। लेकिन 2016 में शिकायत मिलती है विशेष के अधिकारी द्वारा सीबीआई को कि इसकी आड़ में जो है जो राजनीतिक विरोधी जासूसी की जा रही है। सीबीआई ने जांच की इंक्वायरी तो पाया कि 8 महीने में सबसे करीबन केस जो है वो एफबीयू ने इन्वेस्टिगेट किए, जिनमें से दावा किया गया कि 60% से ज्यादा जो मामले हैं वो राजनीतिक विरोधियों के थे। और इसमें सीबीआई ने महसूस किया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे जांच की जानी चाहिए और उसी को लेकर विजिलेंस उन्होंने भेजा। विजिलेंस के द्वारा ये एसजी के पास गया और एसजी ने इसे केंद्र सरकार के पास भेजा। अब इसमें जो है मंजूरी मिल गई है, यानी कि सीबीआई केस दर्ज कर आगे की जांच कर सकती है। पूरा जो मामला है वो इसी बात पर टिका हुआ है कि एफबीयू की आड़ में आम आदमी पार्टी की सरकार है, बिल्कुल। देखिए जितेंद्र, ये जो मामला है वाकई में काफी गंभीर है, क्योंकि फीडबैक यूनिट जिसका गठन किया गया उसकी आड़ में जासूसी का आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। लेकिन इन सबके बीच आम आदमी पार्टी का क्या कहना है, खुद मनीष सिसोदिया क्या बोल रहे हैं इस मामले पर, क्योंकि जो इससे पहले शराब लाइसेंसिंग को लेकर जो पूरा मामला था उसको लेकर ही तमाम सवाल खड़े किए गए थे, उसको लेकर कहा गया था कि जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है, और अब ये जो पूरा मामला है वो निकलकर सामने आ रहा है। कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आज तक नहीं आई थी। अगर मैं आपको बताऊं कि जब जनवरी में ये मामला सामने आया था 17 जनवरी को, जो है मनीष सिसोदिया की तरफ से जो पहले जो है इसमें ये फरवरी 9 फरवरी को ट्वीट कर कहा गया था कि उनके खिलाफ जो मामला है वो 7 साल पुराना है और उसमें तब उन्होंने आरोप लगाए थे और अन्य मुद्दों को भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अभी की बात करें तो टाइमिंग देखिए, आज चुनाव होना है और इसको लेकर इसी टाइम पर ये खबर आती है। आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक से प्रेरित मामला बता रही है, लेकिन बड़ी बात यही है कि जिस मंजूरी के लिए सीबीआई द्वारा जो है ये ठीक है, तो राजनीति से प्रेरित ये पूरा मामला आम आदमी पार्टी तरफ से बताया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर एक बार फिर से जो मुश्किलें हैं मनीष सिसोदिया की बढ़ती नजर आ रही है।